हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है दिव्यांशु, आप लोग देख रहे हैं गेट सेट टेक। और भाई Xiaomi की तरफ से यहाँ पर मैं Xiaomi 13 Pro फोन जो है लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में। आज जो हम लोग इसी फोन को अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे, बताऊंगा आप लोगों क्या क्या फीचर्स, क्या क्या स्पेसिफिकेशन आप लोग को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जा रहे हैं। ये फोन आप लोगों को इंडिया के अंदर कब तक और किस प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाएगा, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट से चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। ब्लैक कलर का बॉक्स यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है इस फोन के अंदर, और यहाँ पर आप लोगों को Xiaomi 13 Pro की जो है ब्रांडिंग देखने मिल जाती है। फटाफट से यहाँ पर मुझे प्लास्टिक रैप को रिमूव कर लेते हैं। लिड को ओपन करते ही यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ जो है पेपर वर्क निकल के आ जाता है। उसके बाद आप लोगों को फोन देखने के लिए मिल जाता है प्लास्टिक रैप के अंदर। इसको यहाँ पर मैं हटा देते हैं और देख ले कि हम लोगों को इस कंपार्टमेंट के अंदर जो है क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो इस कंपार्टमेंट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक जो सिम इजेक्टर टूल देखने के लिए मिल जाता है, और आप लोगों को एक ट्रांसपेरेंट केस देखने के लिए मिल जाता है, और आप लोगों को यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ये कुछ सामान आप लोगों को डब्बे के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर बात कर ले चार्जर की, तो यहाँ पर आप लोगों को 120 वॉट का फास्ट चार्जर इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है भाई। और यहाँ पर आप लोगों को टाइप ए टू टाइप सी का आउटपुट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर मैं टाइप सी टू टाइप सी का देना चाहता तो अच्छी बात होती दोस्तों और ज्यादा। खैर दोस्तों कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं टाइप ए टू टाइप सी वाला आउटपुट भी अच्छा है। 120 वॉट का दोस्तों फास्ट चार्जर आप लोगों को बॉक्स के अंदर बिल्ट इन देखने के लिए मिल रहा है। फटाफट से बात कर ले इस फोन की डिजाइन की, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी डिजाइन देखने के लिए मिल जाती है। कर्व डिस्प्ले दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि इस फोन को एक जो प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर देता है। साइड में आप लोगों को एल्युमिनियम की फ्रेम देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पर आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी फ्रेम देखने के लिए मिलती है दोस्तों, जो कि दिखने में काफी ज्यादा शाइनी और ग्लॉसी है, जो कि इसको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। नीचे के साइड में यहाँ पर आप लोग सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, यहाँ पर आप लोगों को टाइप सी का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, डुअल सिम ट्रे यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है, और पीछे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को ग्लास देखने के लिए मिल जाता है, जो कि दिखने में इसको काफी ज्यादा प्रीमियम बना देता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइड में आप लोगों को कैमरा बंप देखने के लिए मिल रहा है, काफी ज्यादा बंप यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा सा कवर आप लोगों को परचेज जरूर से करना पड़ेगा इस फोन को यूज करने के लिए। लेकिन दोस्तों ओवरऑल लुक वाइज ये फोन आप लोगों को काफी ज्यादा प्रीमियम देखने के लिए मिल जाएगा। फटाफट यहाँ पर मैं सिम ट्रे को रिमूव कर लेते हैं इस फोन के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस फोन के अंदर आप लोगों को डुअल सिम ट्रे देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसका मतलब कि दो सिम आप लोग जो लगा पाएंगे, ऊपर और एक नीचे यहाँ पर आप लोगों को लगा देनी है। कंपनी ने दोस्तों आजकल जो डुअल सिम ट्रे देना बंद कर दिया, लेकिन इस फोन के अंदर आप लोगों को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब बात करते हैं फटाफट इस फोन की डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर 6.73 इंचेस का एक जो है LTPO OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, और ये जो दोस्तों एक FHD प्लस डिस्प्ले है। इसका मतलब कि काफी अच्छा डिस्प्ले यहाँ पर आप लोग इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ साथ आप लोगों को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अब फटाफट से बात कर लें यहाँ पर इस फोन की MI की, तो MIUI आप लोगों को 14 देखने के लिए मिल जाता है, और लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पे ये फोन जो वर्क करता है। इसका मतलब कि यहाँ पर मैं आप लोगों को फ्यूचर में भी इतना ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से बात कर लें यहाँ पर मैं कैमरा सेंसर की, तो पीछे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को 3 कैमरा सेंसर देखने के लिए मिल रहे हैं। जो प्राइमरी सेंसर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है वो आप लोगों को 50.3 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल रहा है। इसके अंदर आप लोगों को सोनी IMX989 सेंसर देखने के लिए मिल रहा है, और OIS के सपोर्ट के साथ में आता है। इसका मतलब कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जब भी आप लोग वीडियो बनाएंगे काफी स्टेबल वीडियो आप लोग की रहेगी, यहाँ पर आप लोगों को शेक बिल्कुल भी वीडियो के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद में आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने के लिए मिल जाता है, और आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का एक जो अल्ट्रा वाइड कैमरा इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। बात कर लूँ अगर वीडियो शूटिंग की बैक कैमरा से, तो आप लोग जो 8K वीडियो 24fps तक इस फोन की मदद से निकाल सकते हैं, और आप लोग जो 4K वीडियो 60fps और फुल HD 120fps इस फोन की मदद से जो निकाल पाएंगे वीडियोस। फोन के यहाँ पर फटाफट से परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 प्लस 2 जेन का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, और 4 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन इस प्रोसेसर के अंदर हुआ है। इसका मतलब कि काफी अच्छे फैब्रिकेशन हुआ है। अगर आप लोग जो गेमिंग या फिर हैवी टास्क भी करेंगे, तभी भी आप लोगों को इस फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 8 प्लस 2 जेन का प्रोसेसर देखने के लिए मिला है, जो कि काफी अच्छी बात है। फोन के यहाँ पर अगर बैटरी की बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को 4820 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आप लोगों को सिंगल चार्ज पर आराम से 1 से 1.5 दिन लास्ट कर देगी, जो कि काफी ज्यादा तगड़ी बात है भाई। आप लोगों का फोन जो है 19 मिनट के अंदर जो दोस्तों फुल चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 120 वॉट का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये तो भी दोस्तों फोन की स्पेसिफिकेशन की बात है। फटाफट से बात कर लेते हैं कि ये फोन आप लोगों को इंडिया के अंदर कब तक देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ साथ किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो रहा है। और ये फोन आप लोगों को 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में देखने के लिए मिलेगा 2023 में। उसके साथ साथ इस फोन की जो प्राइस रहने वाली है वो रहने वाली है 61,000 रुपीज से लेकर 63,000 रुपीज के बीच। तो दोस्तों बस इसी सारी कहानी थी Xiaomi 13 Pro की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद होगी। अगर आप लोगों को इस फोन से रिलेटेड अगर कोई भी अगर सवाल हो, नीचे जो कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत। अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।